नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है LS कपलिंग। ठीक है, तो कपलिंग हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास दो फोर्स हैं और उन दो फोर्स को अगर हम कपल करें या फिर ऐड करें तो हमें एक नया फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हमने कहाँ पढ़ा, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा। नाउ हम समझेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स में हम कपलिंग किसे बोलेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स में कपलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास LS कपलिंग और एक होती है हमारे पास क्या, JJ कपलिंग। आज हम पहली टाइप की कपलिंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो क्या है हमारे पास LS कपलिंग। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई क्या है एक एटम है, या बोले हमारे पास क्या है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और कुछ क्या होता है उसके पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। और उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर एक नए टाइप का एंगुलर मोमेंटम देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम बोलते हैं। ये तो किसकी बात करी हमने, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात करी। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम ये बोलें अगर हमारे पास क्या है मनी इलेक्ट्रॉन एटम है, तब हम वहां पर किस तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे या फिर किस तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो मनी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, जो हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंबाइन होकर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देता है, और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर या कपल होकर क्या देता है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है, और लास्ट में रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों कंबाइन होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम देते हैं। और इस टाइप की कपलिंग को या फिर इस टाइप के एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कोई हम क्या बोलते हैं, LS कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हमने ये हिंदी में यहाँ पर बोला, सरल भाषा में बोला, उसे को अंग्रेजी में हम इस तरीके से लिख देंगे। तो फॉर मनी इलेक्ट्रॉन एटम या फिर ऐसे एटम के लिए जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एड टू फॉर्म रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। ठीक है, लाइकवाइज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कपल्स टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। एंड फाइनली देन एल एंड एस, ओके यहां पर क्या है, L एंड S, L क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और S क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑफ द एटम। दिस काइंड ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड LS कपलिंग। इसका एक और नाम है, वो क्या है, रसल एंड सैंडर कपलिंग। रसल और सैंडर क्यों करा, ये दोनों क्या थे, दो एस्ट्रोनोमर थे। सबसे पहले उन्होंने इस टाइप की कपलिंग को इंट्रोड्यूस किया था या फिर इस टाइप की कपलिंग का प्रयोग किया था स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। ठीक, तो इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रसल एंड सैंडर कपलिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, LS कपलिंग की डेफिनेशन हो गई। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम मनी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, क्या उस मनी इलेक्ट्रॉन एटम के सारे इलेक्ट्रॉन इस LS कपलिंग में पार्ट लेते हैं, आंसर है नहीं। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इस LS कपलिंग में पार्ट लेते हैं या फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होता है, जो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन LS कपलिंग। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन या फिर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, तो इसका आंसर है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ना ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। अगर हम इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देंगे तो कैसा होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यानी जो 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। या फिर दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सबसेल में होता है, यानी आउटर मोस्ट सबसेल में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन या फिर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि LS कपलिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं केवल वही इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे जो क्या होंगे, ऑप्टिकली
एक्टिव होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ इस एलएस कपलिंग को करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन। स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंबाइन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन बोलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट ये होगा। स्टेप सेकंड क्या होगा, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन। ठीक है, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंबाइन होगा, और उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन बोलेंगे। और लास्ट में जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन बोलेंगे। नाउ वन बाय वन इन स्टेप को फॉलो करते हुए एलएस कपलिंग को समझते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप वन, स्टेप वन स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन। तो स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन में क्या होगा, इंडिविजुअल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देगा। ओके, तो हम जानते हैं रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस कैन बी रिटन एज, एस वेक्टर कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एस क्या है, ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये एस जो ये एस है ये क्या होता है हमारे पास, कोई क्वांटम नंबर होता है। नाउ इस क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि जो हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इफ वी हैव टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर हमारे पास टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए क्या होंगी, दो स्पिन क्वांटम नंबर होंगी। मैंने अज्यूम कर लिया एक के लिए कितनी है S1 और दूसरे के लिए कितनी है S2 है। नाउ ये जो वैल्यू है यहाँ पर कैपिटल S यानी क्वांटम नंबर, ये डिपेंड करेगा किन पर, इस S1 और S2 पर। और इस S1 और S2 के लिए जो कैपिटल S है ये लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, S1 माइनस S2 से कहाँ, S1 प्लस S2 के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको और स्तर को समझते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, वो क्या है, 2S1 और यहाँ पर क्या दे रखा है, 2S1 2P1। ठीक है, ये क्या है, एक एटम का आउटर मोस्ट सेल है या आउटर मोस्ट सब सेल है, और उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इसके लिए जो S1 होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए भी जो S2 होगा वो क्या होगा मेरे पास, 1/2 होगा। नाउ अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या देंगे, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम देंगे, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देंगे, यानी एस देंगे। और ये एस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस क्वांटम नंबर एस पर डिपेंड कर रहा है, और ये क्वांटम नंबर एस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस S1 और S2 पर डिपेंड कर रहा है। और इस कैपिटल एस की वैल्यू गिवन S1 और S2 के लिए कहां से कहां लाई कर रही है, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 के बीच में लाई कर रही है। नाउ यहां पर S1 कितना है, 1/2, और S2 कितना है, 1/2। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो एस होगा वो क्या होगा मेरे पास, बता सकते हैं आप, जो ये S होगा वो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, 1/2 माइनस 1/2 से कहाँ तक, 1/2 प्लस 1/2 के बीच। ठीक है, ना 1/2 माइनस 1/2 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर 0 हो गया, एंड 2 कहाँ तक, 1 तक। तो S की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, दो वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई 1 और दूसरी कितनी आ गई, सॉरी एक क्या आ गई 0, दूसरी कितनी आ गई 1 आ गई, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, यानी जहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास क्या हो, तीन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, इफ वी हैव थ्री ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास क्या है, थ्री ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो तीन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए तीन स्पिन क्वांटम नंबर होंगे। मैंने अज्यूम कर लिया एक के लिए कितना है S1 और दूसरे के लिए कितना है S2 और तीसरे के लिए कितना है S3। और हम जानते हैं सबके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और कितनी होगी, 1/2 होगी। नाउ अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक क्या क्या देंगे, नया क्वांटम नंबर देंगे, और वो क्या होगा, कैपिटल एस होगा। नाउ सबसे पहले तो कौन दो कंबाइन करेंगे, ये दो कंबाइन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन हैं तो तीनों एक साथ नहीं हो सकते, पहले इन दो को करेंगे, इन दोनों के बाद जो नया एक क्वांटम नंबर आएगा फिर उसको किसके साथ, इस S3 के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया जब हमने इन दो क्वांटम नंबर को कंबाइन किया तो ये नया क्वांटम नंबर क्या आया, S- आया, और ये S- कहां से कहां लाई करेगा, S1 माइनस S2 से
कहां S1 प्लस S2 के बीच में लाई करेगा, कहां से कहां लाई करेगा, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 के बीच में लाई करेगा। तो यहां से S डैश S1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/2 2 कहां 1/2 प्लस 1/2 के बीच में लाई करेगा। अब यहां अगर इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 टू 1 हो जाएगा। तो S डैश इक्वल टू क्या आ गई, S डैश की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू, एक क्या है 1 और एक क्या है 0 ना। अब ये S डैश किसके साथ कंबाइन करेगा, इस S3 के साथ कंबाइन करेगा और क्या देगा, ये S देगा, ये वाला क्वांटम नंबर देगा। तो यहां से S इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो S कहां से कहां लाई करेगा मेरे पास, इस S डैश माइनस S3 से 2 कहां से कहां तक, ये S डैश प्लस S3 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले 0 और 1/2 को कंबाइन कर दो और फिर उसके बाद किसको कंबाइन करेंगे हम, 1 और 1/2 को करेंगे। तो यहां से S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो इसके जो कितना पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 1/2 टू 0 प्लस 1/2 आ गया, ठीक। एंड फाइनली इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, इसकी यहाँ से भी कितना आएगा 1/2, यहाँ से भी कितना आएगा 1/2, तो 1/2 टू 1/2 यानी सिर्फ एक वैल्यू हुई। तो S की कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक वैल्यू और क्या होगी 1/2 होगी। ये तो किसको कंबाइन किया हमने, 0 और 1/2 को किया, अब किसको कर देंगे हम, 1 और 1/2 को। और यहाँ पर दूसरे केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, कहाँ से कहाँ तक, 1 माइनस 1/2 टू कहाँ से कहाँ तक, 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पर 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2 माइनस का 1/2, ये मैग्नीट्यूड है तो बाहर कितना आएगा, प्लस का आएगा, तो कितना आएगा 1/2 एंड 2 कहाँ से कहाँ तक, और ये कितना आएगा 3/2, 1/2 से कहाँ तक 3/2, तो 1/2 से 3/2 का मतलब क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, S इज इक्वल टू क्या आया, एक तो क्या आया 1/2, फिर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2, यानी यहाँ पर इस केस में भी इसकी कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक 1/2 और एक 3/2। तो S की यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू आएगी, एक तो क्या आएगी 1/2 यहाँ से, और यहाँ पर से फिर एक और क्या आएगी 1/2, और एक यहां पर कितनी आई 3/2 आई, ठीक है। जहां दो इलेक्ट्रॉन के लिए, जब हमारे पास क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन थे या दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन थे, S की वैल्यू कितनी थी, 0 और 1 थी। जब हमारे पास तीन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो S की क्या क्या वैल्यू है, 1/2, 1/2 और 3/2 है, ठीक है, आई बात सुनने ना। अब इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, ओके ना, जनरलाइज करने के लिए इसे मिटा देता हूं, इसको ये उतार लेना आपने, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ ना। सो कैसे जनरलाइज करेंगे ना, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास क्या है 4n इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास क्या है n इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो s की जो वैल्यू होगी, ये जो क्वांटम नंबर s यहाँ पर आया है, इसकी वैल्यू होगी क्या, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, किसके लिए, n कहाँ से कहाँ तक, n/2 तक, फॉर n इज इवन, अगर n क्या है हमारे पास इवन है, अगर n इक्वल टू क्या है मेरे पास इवन है, तब जो s की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो यहां पर n क्या था, इवन था, कितना था 2 था, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 थे, तो यहां पर s की वैल्यू कितनी है 0, 1 आई, अगर 4 होगा तो कितने आ जाएगी 0, 1, 2 आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अगर s इक्वल टू होगा हमारे पास क्या, 1/2, 3/2 यानी ऑड इंटीजर, 5/2 एंड 7/2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n/2 तक, फॉर n इज इक्वल टू इवन, अगर इवन हमारे पास, सॉरी n इज इक्वल टू ऑड, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है ऑड है, तब जो यहाँ पर s यानी जो क्वांटम नंबर है ये s, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 कहाँ तक, n/2 तक, किसके लिए, n इक्वल टू ऑड के लिए। देखो यहाँ पर n क्या था, ऑड था, तीन और तीन थे, तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो s की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई, और दूसरी क्या आई 3/2 आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ ये तो क्या हो गया हमारे पास, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन हो गया, यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हमने इस तरीके से कंबाइन किया, ओके ना। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, आई बात समझ में, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो स्टेप टू क्या होगा हमारे पास, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन। तो ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर क्या करता है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है। और हम जानते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल कैन बी रिटन एज, कैसे रिटन करते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2π, ठीक है। अब यहां पर जो L है वो क्या है हमारे पास, यहां पर क्वांटम नंबर है, L क्या है, ये क्वांटम नंबर है। नाउ ये जो L क्वांटम नंबर है ये डिपेंड करता है किस पर, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन हो रहा है ना, उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। मैंने यहां पर अज्यूम करूं, मेरे पास अगर मैं बोलूं इफ वी हैव टू इलेक्ट्रॉन, क्या है हमारे पास, वी हैव टू इलेक्ट्रॉन, वी हैव
टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है L1 है, और एक के लिए क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2 है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं नेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रहे हैं। नाउ अब जो ये वैल्यू है कौन क्वांटम नंबर, ये एल जो क्वांटम नंबर है ये किस पर डिपेंड करेगी, इस एल वन और एल टू पर डिपेंड करेगी, और फॉर ए गिवन एल वन एंड एल टू जो ये एल होता है या फिर जो क्वांटम नंबर एल है वो कहां से कहां लाई करता है, एल वन माइनस एल टू से एल वन प्लस एल टू के बीच में लाई करता है, कहां से कहां तक, एल वन माइनस एल टू से एल वन प्लस एल टू के बीच में लाई करता है, ठीक है। नाउ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक तो हम पहला वाला एग्जाम्पल ले लेंगे जो हमने अभी लिया था, क्या था हमारे पास 2s1 और 2p1, ये एग्जाम्पल था हमारे पास एक। नाउ अब यहां पर हमारे पास कितने हैं, दो l हैं, एक ये है और एक ये है, दो इलेक्ट्रॉन एटम है यानी दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक। नाउ ये क्या है, s है, और s के लिए हमने अज्यूम कर लिया l1 हो गया इसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और p के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कितना हो गया l2 हो गया। जो l1 होता है वो क्या होगा, s के लिए कितना होता है बता सकते हैं आप, जीरो, और इसके लिए कितना होता है वन, कितना होता है वन होता है ना। अब ये दो बताएंगे कि इस क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू कहां से कहां तक, L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 के बीच में। नाउ L1 की जगह कितना है मेरे पास, जीरो है, तो जीरो माइनस वन से कहां तक, जीरो प्लस वन के बीच में, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहां पर, वन टू वन, वन टू वन, यानी L इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, वन आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन या फिर इस एटम के लिए जिसके लिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके के हैं, तो उसके लिए जो ऑर्बिट जो ये क्वांटम नंबर L है वो क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, यानी कितना होगा, वन होगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, कोई एग्जांपल है कुछ इस तरीके का, और वो क्या है मेरे पास 3p, कितना है 3, सॉरी कितना है, मैंने अज्यूम कर लिया 2p 3p एंड 4d। p के लिए जो l1 होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं वन होगा, और यहाँ फिर अगेन क्या है P है, इसके लिए जो L1 होगा कितना होगा मेरे पास, वन होगा, और ये क्या है D है इसके लिए, ओके ये क्या होगा L2, इसके लिए L3 कितना होगा मेरे पास, D के लिए कितना होता है, टू होता है, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबको कंबाइन करेंगे और हमको क्या निकल के आएगा, ये L क्वांटम नंबर या कैपिटल L क्वांटम नंबर निकल के आएगा। सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को L1 और L2 को, तो मैंने अज्यूम कर लिया L1 और L2 को कंबाइन करके एक क्वांटम नंबर आया क्या, L डैश, ठीक है। और L डैश की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, L1 माइनस L2 से कहां तक, L1 प्लस L2 के बीच में लाई करेगी। अब L1 माइनस, और क्या आ गया, 1 माइनस 1 2, 1 प्लस 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 0 2 2 आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास L डैश, तो L डैश की कितनी वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू, 1 0 1 2 आ गई। ना अगर L डैश किसके साथ कंबाइन होगा, इस L3 के साथ कंबाइन होगा, और हमें क्या देगा, क्वांटम नंबर L देगा, और ये कहाँ, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, L डैश माइनस L3 से L डैश प्लस L3 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से मेरे पास L डैश की वैल्यू, पहले क्या लगे जीरो ले लो, तो कितना आ गया, जीरो माइनस L3 की वैल्यू कितनी है, टू, टू, जीरो प्लस टू आ गया, ठीक। तो जीरो माइनस टू, जीरो प्लस टू, टू 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 हो गया ये, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, सिंपल L की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। किसके लिए, जब हमारे पास L डैश की जो क्या पुट किया हमने, जीरो पुट किया। अब L डैश की जगह वन पुट करेंगे और L3 की जगह टू पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास L इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, वन माइनस टू टू, वन प्लस टू आ जाएगा, और वन माइनस टू क्या होता है वन, और ये टू ये माइनस वन आएगा, मैग्नीट्यूड तो बाहर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू कितना आ जाएगा, थ्री, वन टू थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आ गया, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो इस केस में L की कितनी वैल्यू आई, तीन वैल्यू आई। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो यहाँ से मेरे पास L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर कौन सा केस, टू और टू को कंबाइन करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, टू माइनस टू, टू, टू प्लस टू आ गया, और टू माइनस टू कितना होता है, जीरो, टू कितना आ गया ये, फोर आ गया। तो यहाँ से L की कितनी वैल्यू आ गई, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, यानी कितनी वैल्यू आ गई, पांच वैल्यू आ गई, ठीक। नाउ अब यहाँ पर देखो, ये टू है, इधर भी टू है, ये वन है, इधर भी वन है, टू, टू इधर भी है, थ्री, थ्री इधर भी है, यानी फाइनली हमारे पास L की कितनी वैल्यू आ गई, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ हम जानते हैं ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट ए स्टेट, इस L की हर वैल्यू क्या करती है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर L इज इक्वल टू जीरो है तो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये
एस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एल इज इक्वल टू वन है तो किसको रिप्रेजेंट करती है ये पी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एल इज इक्वल टू टू है तो किसको रिप्रेजेंट करती है ये डी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एल इज इक्वल टू थ्री है तो किसको रिप्रेजेंट करती है एफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एल इज इक्वल टू फोर है तो किसको रिप्रेजेंट करती है जी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पढ़ा था, आई बात समझ में। तो एस इक्वल टू की एल इज इक्वल टू जीरो के लिए एस, वन के लिए पी, टू के लिए डी एंड थ्री के लिए एफ और फोर के लिए जी। नाउ हम यहां से देख सकते हैं वन कितने हैं हमारे पास यहां पर, सॉरी पहले जीरो कितना है, एक जीरो है, तो मेरे पास एस वाली कितनी स्टेट है, एक स्टेट है। अब यहां पर वन, वन कितना है, एक वन इधर आ रहा है, एक वन इधर आ रहा है, यानी कितनी पी स्टेट है, दो पी स्टेट है, तो पी स्टेट कितनी है मेरे पास, दो है, और एस स्टेट कितनी है मेरे पास, वन है। ठीक, और डी यानी डी के लिए कितना है, टू, टू कितने आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो डी वाली कितनी स्टेट आ रही है, थ्री स्टेट आ रही है। एफ वाली कितनी आ रही है, तीन, एक इधर है एक इधर है, एफ वाली कितनी स्टेट आ रही है, दो स्टेट आ रही है। ठीक, और जी वाली कितनी स्टेट है मेरे पास, सिर्फ एक स्टेट है। ठीक, तो एक जी स्टेट, दो एफ स्टेट, तीन डी स्टेट एंड दो पी स्टेट और एक एस स्टेट देखने को मिलती है, किसके लिए, इस टाइप के एटम के लिए। आई बात समझ में, ये तो क्या हो गया हमारे पास, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन हो गया। नाउ हमने क्या किया, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन किया और फिर क्या किया, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन। अब जो उनके बाद जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिला, यानी जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिला है और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला है, उन दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो क्या निकाल देंगे हम, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। स्टेप थ्री, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन पढ़ा और हमको क्या मिला, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिला, और हमने क्या पढ़ा, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन पढ़ा और हमको क्या मिला, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला। अब दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ठीक, ना टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम, अगर हमारे पास कोई एक एटम है तो एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो J है ये क्या है, हमारे पास कोई क्वांटम नंबर है और ये क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास जो हमारे अभी तक हमने पढ़ा जो S क्वांटम नंबर है और जो L क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा ये J क्वांटम नंबर। ठीक, और फॉर ए गिवन L एंड S दिस J इज लाइज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, L माइनस S टू L प्लस S, इसके बीच में क्या करता है ये लाई करता है। ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक वही एटम ले लेते हैं, कौन सा 2s1 2p1 जो हम इधर एग्जांपल ले रखा है। नाउ इसके लिए जो s होगा वो कितना होगा, s1 इक्वल टू कितना होगा इसके लिए 1/2, और इसके लिए जो s2 होगा वो कितना होगा मेरे पास, वो भी कितना होगा 1/2, और इसके लिए जो l1 होगा वो क्या होगा मेरे पास 0, और इसके लिए जो l2 होगा वो क्या होगा मेरे पास 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। ठीक, नाउ यहां पर सबसे पहले स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन करके क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल एस आएगा, और कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो क्या आएगी 0 और एक क्या आएगी 1, अभी हम थोड़ी देर पहले किया था, एक एग्जांपल लिया था, एक क्या आई थी 0 आई थी और एक क्या आई थी 1 आई थी, क्योंकि कहां से कहां लाई करेगा ये S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 के बीच में लाई करेगा, तो वैल्यू क्या आएंगे 0 और 1 आएगी। नाउ जब हम यहां पर इन दोनों को कपल करेंगे, L1 और L2 को कपल करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, क्वांटम नंबर कैपिटल L मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी हम जानते हैं, 0 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास, सिर्फ एक वैल्यू होगी, कौन सी होगी मेरे पास, 1 हो गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, J मिल जाएगा, और कंबाइन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, तो यहाँ से J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इस केस के लिए यानी इस पर्टिकुलर एटम के लिए, ये J क्वांटम नंबर कैपिटल J इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, L माइनस S टू L प्लस S हो जाएगा। नाउ L, L की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस S की जगह पहले क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 2 कहां से कहां तक आ गया, L 1 प्लस 0 आ गया, तो 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1 ही हुआ, तो L की क्या वैल्यू हुई, एक वैल्यू हुई, वो क्या होगी मेरे पास 1 होगी। नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा मेरे पास, यहां पर हम S की जगह कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर, 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 2 कहां से कहां तक, 1 प्लस 1 आ जाएगा, और इस केस मेरे पास J इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1 माइनस 0 कितना आ गया, 0 आ गया, एंड 2 कहां से, और ये कितना हो गया मेरे पास, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां से J की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू, कौन कौन सी, 1 0 1 2 आ गई, तो J की कितनी वैल्यू आ गई यहां पर, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ ये क्या आ गया, J क्वांटम नंबर होगा, और J क्वांटम नंबर की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है
और हाफ इंटीजर भी हो सकती है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है ये, एस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, एस पर डिपेंड कर रहा है। एल की वैल्यू तो क्या होती है, हमेशा इंटीजर होती है, लेकिन जो एस की वैल्यू होती है वो इंटीजर भी हो सकती है और हाफ इंटीजर भी हो सकती है, जैसे अभी तक हमने देखा था। तो उसकी वैल्यू, इस एस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कौन, ये जे, कि ये हाफ इंटीजर होगा या फिर इंटीजर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, एल एस कपलिंग हो गया। नाउ अब हम इस एल एस कपलिंग के हेल्प से, अभी तक पढ़ा क्यों हमने, मैथमेटिक्स की क्यों, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने हमने यहाँ पर क्वांटम नंबर जे, क्वांटम नंबर एल और क्वांटम नंबर एस यहाँ पर डिफाइन किए हैं, इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखेंगे किसी एटम के लिए। और हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या दिखाता है, किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट को दिखाता है या फिर उसकी एनर्जी को दिखाता है। तो यहाँ से हमारे पास आसानी हो जाएगी किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, या फिर किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। हम आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम इन जो यहाँ पर हमने क्वांटम नंबर जे, एल और एस को डिफाइन किया है, इनकी हेल्प से किसी एक एटम के लिए या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखेंगे, ठीक। लेकिन अभी तक आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि एल एस कपलिंग क्या होती है, किस तरीके से इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपल होता है, किस तरीके से इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कपल होता है, और किस तरीके से रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपल होकर क्या देता है हमको, टोटल एंगुलर मोमेंटम देता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।